दोस्तों, कल समकालीन कला पर उत्तर प्रदेश के समकालीन कलाकार दिनकर कौशिक की प्रश्न पत्र को लिया था और उसका हल आपके सामने पेश है। आइए हम प्रश्न पत्र को हल करते हैं। सबसे पहले मांगी गई जानकारियों को भर लेते हैं। ईमेल आईडी सही से भरें, क्योंकि मैं हर बार ईमेल आईडी पर जोर इसलिए देता हूं क्योंकि जब भी हम फॉर्म भरते हैं तब भी हो सकता है कि हम GMAIL की जगह GMAIL लिखें। अधिकांश विद्यार्थी यही करते हैं। हम अपना नाम भरें और जो भी पासवर्ड है वह भरें। और फोन नंबर अब हमने जो प्रश्न थे दिनकर जी से संबंधित उनको हल करते हैं। पहला प्रश्न था, दिनकर कौशिक ने कला की शिक्षा कहाँ से ली है? क्योंकि सभी के प्रश्न ऊपर नीचे हुए होंगे रिशफल में, तो ऐसे में क्वेश्चन ऊपर नीचे होने पर पहले प्रश्न का उत्तर है, दिनकर कौशिक ने कला की शिक्षा कला भवन से ली है। दिनकर कौशिक 1955 में विदेशी छात्रवृत्ति पर कहाँ पढ़ने गए थे? तो रोम गए थे, इटली की जो छात्रवृत्ति मिली थी उस पे रोम गए थे। दिनकर कौशिक का जन्म कब हुआ? 1918 में। और दिनकर कौशिक का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है धारवाड़ मैसूर में। धारवाड़ मैसूर में जन्म हुआ इनका। बाद में यह उत्तर प्रदेश में आके बस गए थे, अर्थात कि कला भवन में काम करने के बाद इन्होंने लखनऊ में भी काम किया, इसीलिए इन्हें उत्तर प्रदेश के कलाकारों के अंतर्गत भी हम पढ़ते हैं। दिनकर कौशिक ने मदर एंड चाइल्ड कलाकृति कब निर्मित की? 1957 में। दिनकर कौशिक ने कला भवन के प्रधानाचार्य पद से कब सेवानिवृत्ति ली? तो 1978 में इन्होंने वहां से सेवानिवृत्ति ली थी। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, कौन सा चित्र दिनकर कौशिक का है? तो मुग्धा नाई का, सरपट दौड़, लकड़ी उठाते मजदूर, बी नाई, चारों ही चित्र दिनकर कौशिक के हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर कौशिक कला भवन शांति निकेतन के अंतर्गत प्रधानाचार्य कब नियुक्त हुए? तो इसका उत्तर है 1967, 1967 और 1968 में यह सेवानिवृत्त हो गए थे। दिनकर कौशिक का निधन कब हुआ? 93 इयर्स की एज में 2011 में दिनकर कौशिक का निधन हुआ था, 93 वर्ष की उम्र में 2011 में। दिल्ली शिल्प चक्र की ओर से दिनकर कौशिक के चित्र की प्रदर्शनी सर्वप्रथम कब हुई? तो इसका उत्तर है 1925 में। दिनकर कौशिक ने गांधी मंडप की सज्जा कब की? यह असल में सज्जा है और सज्जा इन्होंने की थी 1947 में। तो आइए हम देखते हैं कितने उत्तर सही हैं। संपर्क करने के लिए सूत्र यहाँ पर दे रखा है। दिनकर कौशिक ने कला की शिक्षा कला भवन से ली थी। दिनकर कौशिक 1955 में विदेशी छात्रवृत्ति प्राप्त करने रोम गए थे। दिनकर कौशिक का जन्म 1918 में हुआ है, धारवाड़ मैसूर में हुआ है जन्म। दिनकर कौशिक ने मदर एंड चाइल्ड कलाकृति 1957 में बनाई है। दिनकर कौशिक ने कला भवन के प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्ति 1978 में ली थी। इन चित्रों दिनकर कौशिक के जो चित्र है वो यहाँ दे रखे, मुग्धा नाई का, सरपट दौड़, लकड़ी उठाते मजदूर और बी नाई। कला भवन शांति निकेतन पे प्रधानाचार्य 1967 में नियुक्त हुए थे। दिनकर कौशिक का निधन 2011 में 93 वर्ष की उम्र में हुआ था। दिल्ली शिल्प चक्र की ओर से दिनकर कौशिक के चित्र की प्रदर्शनी सर्वप्रथम 1925 में हुई।
दिनकर कौशिक ने गांधी मंडप की सज्जा 1947 में की थी। यह था दिनकर कौशिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब जिन मित्रों ने कल परीक्षा दी थी निश्चय ही वह परिणाम भी चाहते हैं, और ऐसे में आप सभी का परिणाम यहां पर मैं बता रहा हूं। अधिकांश ने बहुत कम अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन कुछ है जिन्होंने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर क्रम से नाम है, किस क्रम में अंक प्राप्त किए हैं? वैसे काफी अधिक मित्रों ने परीक्षा दी थी, लेकिन जिनके नाम बहुत ज्यादा अधूरे थे उनके नाम काट दिए गए हैं। अगली बार से इस प्रकार के अधूरे नाम भी काट दिए जाएंगे। तो यह था इसका परिणाम, और आप सभी को अपने उत्तम भविष्य के लिए शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे, अलविदा।